नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि शेयर मार्केट से क्या आप पैसा कमा सकते हैं, क्या आपके हाथ में शेयर मार्केट वाली रेखा है जो इन्वेस्टमेंट करके आप अमीर बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है और ये वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे उसके लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली ये हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के एक एक घटनाक्रम के बारे में बताती है। ये हमारी मस्तिष्क रेखा हम किसी बात को कितनी गहराइयों तक लेके जाते हैं उसके बारे में बताती है। यह हमारी हृदय रेखा हम किसी के साथ कितना अटैचमेंट है उसके बारे में बताती हैं। तो सबसे पहले हमने बिजनेस की बात की है, शेयर मार्केट की बात की है, तो हमारी ये जो बुध की फिंगर है हमारे इस पहले पोर तक पहुंचनी चाहिए। बुध की एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करती है और ऐसे लोग हर काम में एक्टिवेट होते हैं और बुध के पर्वत पर ये खड़ी लाइनें आपके बोली बाणी को और मजबूत कर रही हैं, आपके बिजनेस सेंस को बढ़ा रही हैं। और इसी के साथ सबसे पहले हम भाग रेखा को देखेंगे। हमारी जो भाग रेखा है क्या वो मजबूत है, क्या हम लाइफ में सफल होने वाले हैं? तो भाग रेखा अगर हमारी इस मून के क्षेत्र से निकल के शनि के पर्वत तक पहुंच रही है, ये एक बहुत सफल भाग रेखा है, एक कामयाब रेखा है। ज़िंदगी में हर चीज़ आपको अपने मेहनत के दम पर, आप इन शेयर मार्केट के इन्वेस्ट से भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इस हमारी भाग रेखा का उदय अगर चंद्रमा से होता है तो चंद्रमा जैसे कहते हैं मन का कारक होता है, अच्छा ज्ञान देता है, अच्छी बुद्धि देता है, अच्छी सोच पैदा करता है। जब भी इस चंद्रमा के पर्वत से निकलकर हमारी भाग रेखा इस शनि के पर्वत के पास पहुंचती है और ये शनि का एरिया है, इसमें जब भी इंटर होती है तो आपका भाग्य उदय होने लगता है और आपके भाग्य में वृद्धि होने लगती है। ये शनि की जो फिंगर है, ये शनि का क्षेत्र है, इसको हम शनि का क्षेत्र बोलते हैं। और ये शनि के क्षेत्र में जब ये भाग रेखा इंटर होगी, प्रवेश करती है, तो आपके भाग की उन्नत और बढ़ोतरी के बारे में दर्शा रही है। और यहीं पर अगर आपके हाथ में वो रेखा है, अब वो रेखा क्या करती है, आपके भाग को प्रबल बनाती है। अभी जैसे यहाँ पे ऊर्ध्वमुखी रेखाएं हो, ऊर्ध्वमुखी रेखाएं हो, कई ऊर्ध्वमुखी रेखाएं आपके इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रही हैं, आपकी मतलब सफलता के बारे में बता रही, एक के बाद एक के बाद एक कई सफलता आपके हाथ में वो रेखा है। आप कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप उससे बेनिफिट ले सकते हैं। और इसी के साथ ये हमारी भाग रेखा एंटर हुई और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट की ये जो रेखा है अगर आपके हाथ में है तो ये भी उसी चीज़ को दर्शा रही है, मतलब आपके भाग में वृद्धि का कारण बन रही है। और इसी के साथ अगर आपका ये जो शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत हम बहुत सुख सुविधाओं का मानते हैं, इस पे हमारी लग्जरियस लाइफ होती है और हमारी जो लाइफ का एक स्टाइल होता है, जैसे हम कहते हैं हर चीज़ की सुख और समृद्धि आती है, तो हमारी ये शुक्र पर्वत से देखते हैं। अब ये शुक्र के पर्वत पे जिसको कहते हैं शेयर मार्केट की लाइनें या वो रेखा, ये ऐसे वाली जो रेखा होती है ये शेयर मार्केट की रेखा होती है। ये आप अगर आपके हाथ में ऐसी रेखा है तो आप बड़े आसानी से शेयर मार्केट में पैसे लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हाँ, और ये अगर जैसे ये नीचे की तरफ ऐसी रेखा है,
आती है आपके पास, तो ये रेखा आपके पेट को खराब करने का संदेश देती है कि ऐसे लोगों का पेट खराब रहता है। तो हमने सिर्फ शेयर मार्केट की बात की है, और इसी पे अगर ये यहाँ पे वर्गाकार बनता है, ये वर्गाकार बनता है, तो ऐसे लोग ज़मीन का कारोबार करके भी अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं और अच्छा पैसा भी कमाते हैं। इसी के साथ ये हमारा जो मंगल का क्षेत्र है, मंगल के क्षेत्र पे अभी अगर यहाँ पर एक स्टार है, स्टार बनता है, तो यहाँ पर भी लोग ज़मीन से जुड़े कारोबार करते हैं, तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं और काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ से भी कमाते हैं। और यहाँ पर अगर हमारे सन के क्षेत्र पे एक यहाँ पर भी एक वर्गाकार बनता है, तो यहाँ से भी आप अच्छा पैसा, ऐसे मल्टीपल प्रॉपर्टी के बारे में बताती है कि आप ऐसे लाइफ में मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाएंगे। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।